शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साहब वो आपका सामान है, ये बैग भी आपका है, तीन और चार, ये चारों बैग आपके हैं जी। अच्छा, इसमें वो वाला बैग कौन सा है? मतलब वो वाला बैग जिसमें पैसे, जेवर, दूसरे इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह होते हैं, वो बैग? क्या है आजकल जमाना बहुत खराब है ना, यहाँ आपका ध्यान गया, हमारा सामान गया। और फिर चोरी चकारी तो होती रहती है आजकल, खासकर ट्रेन में, समझ में ही नहीं आता मुसाफिर कौन है और चोर कौन है। तुम सो जाओ, मैं जागता हूँ ना। नींद नहीं आ रही। अरे भाई साहब, ये रात को 3 से 5 का जो वक्त होता है ना, वो बिल्कुल कुंभकर्ण का टाइम होता है। आदमी कितना भी पहलवान क्यों ना हो, एक बार तो उसकी गर्दन ढली जाती है। अब देखना है आपकी गर्दन कब ढलती है, सो जाइए। कहा ना आपसे नींद नहीं आ रही मुझे। ठीक है भाई, क्या है अपन नींद के बहुत कच्चे हैं, अपन सो जाते हैं। जी दादी, खैरियत से पहुंच गया हूँ। जी जी दादी, ओके दादी जी। थैंक यू भाई साहब। किस लिए? मेरे सामान की रखवाली करने के लिए। बताता हूँ क्या है साहब, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं रात को जाग नहीं सकता और ट्रेन में मैं सो नहीं सकता ना, ये सामान वामान चोरी होने का खतरा होता है ना, इसलिए मैंने ये हरकत की ताकि मैं आराम से सोऊं, आप मेरे सामान की रखवाली करें, है ना आइडिया? एक बात बोलो, आप बहुत मस्त आदमी है, मैं तो सोचता हूँ लौटते टाइम भी आप ही के साथ सफर करूं। ये मेरा कार्ड है, इस पे फोन कर देना, मैं आपको ढूंढ लूंगा स्टेशन पे। बाय बाय। ए दादी मेरी मदद। तुम और? हाँ हाँ, मैं राज हूँ, वो पॉल है, दुर्भाग्य पॉल, दुर्भाग्य से दोनों भाई हैं, वो भी जुड़वा। मैं राज पुरोहित लोगों की कुंडली देखकर भविष्य बताता हूँ, ये लोगों की कुंडली बिगाड़ता है। ये आपके भाई करते क्या हैं? अरे ईगल गैंग वाले लोग हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं, आप इनके रास्ते में कभी मत आना। नहीं, कभी नहीं। वैसे भ्राता श्री, आप इस शहर में अजनबी लगते हैं, किसके यहाँ पधारे हैं? दुग्गल साहब के यहाँ। दुग्गल साहब? हाँ, उनके यहाँ कमरा खाली है। अरे कमरा नहीं, उनका दिमाग भी खाली है। वो गोवा में पुलिस इंस्पेक्टर थे, एक चोर ने सर पे डंडा मार दिया, तब से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, तो वो क्लॉट जहाँ रुकता है वो हिस्सा बेकार हो जाता है, तो कभी अंधे होते, कभी बहरे होते, कभी गूंगे होते, देखते आज क्या है। आज अंधे हैं। मैं नहीं मानता। आप अभी मान जाओगे। दे रहे दुक्कल साहब। वो तो देख रहे हैं। वो नहीं देख रहे, आप देख रहे हो, अभी बताता हूँ, रुको। कब बख्शो, आज अंधा हूँ तो मारते हो, कल जब दिखाई देगा ना तो तुम में से मोहल्ले में एक भी दिखाई नहीं देगा। हाँ अब आ गया यकीन, रुक जाओ। अरे अच्छा वो तू आ गया, सुबह से चाय नहीं पी है, ला एक आधा लीटर दूध दे दे। क्या हुआ, दूध खत्म हो गया बंसी? जी मैं बंसी नहीं हूँ, समीर हूँ। अरे माफ करना, मैं आपको अपना दूध वाला समझा। ये हेडलाइट कब बुझ गई चाचा? तुझसे क्या मतलब, तू कोई डॉक्टर है क्या? चल दूध दे। अरे मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं राज हूँ, ज्योतिषी पंडित। अरे ज्योतिषी पर, ये तेरा मुँह इतना बड़ा कैसे? अरे ये मुँह नहीं है तो बैग है। अच्छा, मुँह ये है, पचक जाएगा चाचा। कैसे आना हुआ, क्या काम है? काम मुझे, मेरी नौकरी बीच रिसोर्ट पे लगी। हाँ। शर्मा जी ने आपसे बात की है कमरे के बारे में ना। हाँ, हाँ तो आओ ना, मैं कमरा दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हारा कमरा। हाँ। ऐसे यहाँ से
ऊपर जाओ, सीधे हाथ में तुम्हारा कमरा है, जा। चाचा यहाँ कोई कमरा नहीं है। नहीं है? रात को तो देख के सोया था, सुबह आँख गई तो कमरा भी गया। नमस्ते। ओफो, आप गलत जगह दिखा रहे, कमरा वहाँ है। वहाँ कहाँ? यहाँ। चलिए। बाहर निकाल रही हो? अंदर ही जा रहे हैं। चलो, चलो। कमरा बाद में देख लूंगा, पहले किराए की बात कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ 2,500 रुपए दे सकता हूँ। और मैं कम से कम 5,000 लूंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना चलो बाहर। चलो। अरे अरे, मैं हूँ बाबा। तुम कहाँ बीच में आ जाती हो बार बार। एक काम कीजिए चाचा, 2,500 में इनको आधा कमरा दे दीजिए, बाकी का आधा कमरा 2,500 में किसी दूसरे को दे देना। तो क्या ये बंसी भी साथ में रहेगा? मैं बंसी नहीं हूँ। तो फिर नाराज क्यों होता है? ला आधा लीटर दूध दे दे। अरे मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं राजी हूँ ज्योतिषी। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? जाके लोगों की कुंडली देखना यार। जा, मैं जब तक समीर को कमरा दिखा दूं। चल समीर। अरे बाबा मैं हूँ। अरे यार, ये समीर कहाँ है? यहाँ हूँ दुकल साहब। चल चल। समीर जी। ये बाइक कब मिली? कंपनी वालों ने आज सुबह दी। आज नहीं, कल मिली? नहीं, आज मिली। तुम बाइक की बात कर रहे हो, हम नजर की बात कर रहे हैं। रानी से तुम्हारी नजर कल मिली ना? रानी कौन रानी? मैं तो खेलते हुए बच्चों को देख रहा हूँ। अच्छा, अरे तो... मैं नाम का नहीं, मैं काम का ज्योतिषी हूँ। अच्छा। मैंने तुम्हारी कुंडली देख ली है। अच्छा, मैं तुम्हें रानी से मिलवा देता हूँ, वरना तुम ऐसे ही खिड़की से गिरते रहोगे ना। अरे हम तो प्रेम के पुजारी हैं, हमारी वजह से दो दिल मिलते हैं, एक घर बसता है, बच्चे किलकारी मारते हैं, इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए और क्या होगी। सुना इनका बाप कर्नल बड़ा सख्त आदमी है। अरे अभी रिटायर्ड है, कभी भी बुलावा आ सकता है। और उन्हें तुमसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, कहीं नहीं। देखना पहली मुलाकात में गले लगा लेंगे तुम्हें। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू फॉर द कॉफी, बाय यू गाइस। रानी जी आपसे कुछ नाराज हैं? नहीं तो फिर उस दिशा में क्यों जा रही हैं? रानी जी, पंडित जी यहाँ आओ। इस तरफ आ रही है जी। देखना एक बार हाथ मिले, दिल मिलने में देर नहीं लगेगी। आओ आओ, तैयार हो जाओ। आजकल कर्नल साहब 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी वो गाड़ी खराब हो गई ना, तो उसी के चक्कर में गए हैं। हमने उनसे कितनी बार कहा है कि आपके कार्बोरेटर की महादशा चल रही, कम से कम 125 रुपए का पेट्रोल डलाया करो, 25 रुपए से ऊपर के डलवाते नहीं है। खैर छोड़ो, ये है मेरे बचपन के दोस्त समीर। हालांकि बचपन मिले नहीं है, जवानी में आके मिले हैं। और ये रानी, समीर लाइफ गार्ड, रानी फैशन डिजाइनर। हाथ बात तो मिला लो। मम्मी! बच्चे को संभाल नहीं सकते? क्या हुआ? टायर फटा? नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? डैडी। क्या मुलाकात हुई है कर्नल से इनकी? किसने इन्हें चाटा मार दिया? ऐसा लगा कि बम फट गया। पापा आप ठीक तो है ना? पूछो मत बेटा, ऐसा लग रहा है कि किसी ने गरम गरम लोहा पिघलाकर कान में डाल दिया हो। तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था, ये तो है ही शैतान। वो तो कर्नल साहब ने ब्रेक मार के बचा लिया इसे। ए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे पापा के ऊपर हाथ कैसे उठाया? मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके पापा है। और लेकिन ये बच्चा, बच्चा बच्चे की माँ यहाँ पे, पूरी दुनिया यहाँ पे है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तुम हीरो बनने की कोशिश क्या कर रहे थे? नहीं। I mean, what were you trying to do? Please, आप दोनों झगड़ा बंद करो और जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। अरे कंडक्टर नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। वहीं जा रहे हैं। अरे ये तो बहरे हो गए, ये क्या किया? जिनसे रानी का हाथ मांगना था उनके कान पे हाथ दे दिया। चलो चलो, मुसीबतों के खिलाड़ी मोहब्बत के दुश्मन। चुप, सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी वजह से? तूने तो कहा था कि शैंपेन को एक झटके में खोलना। अरे तो मैंने शैंपेन खोलने को कहा था, मैंने अस्थियां तोड़ने को नहीं कहा था। चलो ठीक है, अस्थियां टूटी, एटलीस्ट उसकी माँ को तो मुक्ति मिली। मुझे तो ये कर्नल पागल लगता है। नहीं, नहीं, नहीं। कर्नल साहब बहुत सुलझे हुए आदमी है। अरे खाक सुलझा हुआ आदमी है। अरे माँ की अस्थियों को गंगा में बहाते हैं, थोड़ी कोई घर में रखता है, और वो भी कटोरी में। नहीं नहीं ठीक है, हम बाद में वार्तालाप करते हैं ना। अरे इस बात को अभी क्लियर कर देते ना। अरे हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से देखने की कोशिश करो। अरे जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उसी दृष्टि से आप देखने की कोशिश करो। आपने कभी कर्नल को देखा है? अरे उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसका बुढ़ापा 20 साल पहले आ चुका है। उसकी बीवी को देखा है?
ऐसा लगता है कि अभी भी जवानी आई है। अरे कौन से एंगल से रानी उस कर्नल की बेटी दिखती है? हाँ टॉमी उसका बेटा जरूर दिखता है। देखो हम जो समझा रहे हैं तुम समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा करो तुम उनसे खुद पूछ लो। उनसे किन से? रानी से। अरे रानी को कर्नल ने थोड़ी बताया होगा। उस दिन तो मैंने ये सोचकर तुम्हें माफ कर दिया कि तुमने गलती अनजाने में की, मगर आज तुम जानबूझकर तुमने उस दिन मेरे पापा को यहाँ मारा, उनकी गाल पे, फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन आज तुमने मुझे यहाँ चोट पहुंचाई, उसका क्या? हाँ रानी हम तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे थे कि मेरे पापा नहीं है? नहीं। कि मेरी मम्मी का कैरेक्टर खराब है? नहीं। डोंट यू टॉक टू मी अगेन, डोंट यू एवर टॉक टू मी। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगी थी, और आप पंडित जी आपके ऊपर तो हैरानी हो रही है मुझे कि आप ऐसे गिरे हुए इंसान को अपने बचपन का दोस्त समझ सकते हैं, जिसे किसी की इज्जत क्या है उसका मतलब भी नहीं मालूम। रानी देखा, तेरी वजह से रानी को दुख पहुंचा है। मेरी वजह से? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जब तुझे पता था कि रानी मेरे पीछे खड़ी है, बता देता मुझे। अरे कब से कह रहा हूँ मेरी दृष्टि से देखने की कोशिश करो। अरे दृष्टि समझ में नहीं आती, शायद हिंदी नहीं समझ में आती हमें। गलतियाँ आप करो, परिणाम मैं भुगतू। बॉल चाहिए? क्या हुआ? अरे टायर फटा। अरे नहीं कोई पिटा। कौन पिटा? पापा। मामी मा। अबे मेरी कुंडली पैदाशी खराब है, तेरे पढ़ने से ठीक नहीं हो जाएगी। अब आगे और कितनी खराब है वो देख रहा हूँ। क्या ये समझो, अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड? हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है, इससे भी बुरा। अरे जिस बृहस्पति को सबसे ऊपर होना चाहिए वो एकदम नीचे पाताल में चला गया है, और चंद्रमा जिसको सातवें घर में होना चाहिए वो बेघर हो गया है, और ऊपर से शनि आने वाला है। तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया। हाँ चला गया था, लेकिन लोगों की जिंदगी में शनि दोबारा 7 साल तक नहीं आता है, पर तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है। Wicked Sunny, I kill for the money. Wicked Sunny, I'm not funny. Wicked Sunny, lock up your money. हाँ मेरी कुंडली में कुछ भी पॉसिबल है। ये समझो कि रास्ते में है। और मेरे रस्से लगा देगा? हाँ ये शनि तुम्हारी जिंदगी और कुंडली दोनों को घुमा देगा, तूफान की तरह आएगा वो। Wicked Sunny, क्या बोलता है जाने? Wicked Sunny, चुरा लेगा रानी। Wicked Sunny, क्या बोलता है जाने? या Wicked Sunny, चुरा लेगा रानी। मेरे गणित के हिसाब से वो इस घर में, इस कमरे में तुम्हारे साथ रहेगा, और रानी के दिल के दरवाजे पर दस्तक देगा। टक टक। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी, सनी। हाँ अंकल का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, भाई निकलो यहाँ से। यह आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, इसे कहो मेरा मुंह ना लगे। अंकल इतने चुप क्यों हैं? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है। बात को तुम चुप कर। अंकल जी मैं सनी, खुराना साहब का बेटा। कौन खुराना? कौन खुराना जरा बताना। गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है। हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती है, और नुक्कड़ पे आकर वो मुड़ जाती है। दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती है। और कहाँ जाती है बोलो? तुम बोलो। सीधे इनके यार के घर में। कौन यार? खोसला साहब। हाँ अभी तो खुराना बोला। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू, टेस्ट कर रहा था। अंकल जी आप जानते हैं जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में, तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका। अंकल लौंडा ये भी झूठ। देखो सच सच बताओ यहाँ क्यों आए हो। जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। अंकल जी हाँ वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं देखो। अब बोल यहीं पे रुक जाओ। हाँ। चलिए आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे
कौन हो तुम? सनी, सनी। सनी नहीं, शनी। ए तू चुप रे, चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम है, आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया हूँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे। आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रूपए, ये 9,999 रूपए भी लो, संभाल के रखना। और मैं जरा थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो। दूसरे मोहल्ले में चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर। कमरा अच्छा है बुड्ढे का। हाँ लेकिन आधा तेरा आधा मेरा है। अबे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे तू आधी आधी क्या बातें करता है, कभी तू यहाँ सो, कभी मैं वहां सो, कभी एक दूसरे के ऊपर सोएंगे, भाई भाई मिलके सोएंगे। हाथ मत लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आधा किराया दिया है, आधा मेरा ना, ये साइड तेरा ये साइड मेरा है। अच्छा वैसे तो है कौन सा साइड? अच्छा गले तो मैं लॉन्डो के गले नहीं लगता। अच्छा इतना इतरा रही है तू? जो भी समझना है समझ। अच्छा सुन, ये जो तेरे गुल्लक है, तेरे भगवान है, इन्हें भी तो वहां ले जा। भगवान में तेरे मेरा नहीं होते, भगवान सबके होते हैं इक्वल। और सुन बंटवारा कमरे का हुआ है, दीवारों का नहीं, भगवान यहाँ से नहीं हिलने के। तो ये जो मैं पोस्टर लाया हूँ अपने बैग में, ये कहाँ लगाऊंगा? जहाँ मर्जी मैं लगा दे, यहाँ से भगवान नहीं हिलने के। सुन आइडिया दूं, बाथरूम में लगा, बाथरूम में। यार तेरे में इतना गुस्सा क्यों है? कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख ये बोलने में भी गुस्सा हो रहा है। अरे फिर से बोलता, कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख कमरा कितना गर्म हो गया, खिड़की खोलनी पड़ेगी। खिड़की मत खोल। क्यों? बू आती है वहां से। मैं भी तो देखूं बू कैसी लगती है। वैसे आधे पैसे दिए, आधी खिड़की तो जरूर खोलूंगा मैं। और तू मेरी साइड पे खड़ा, तेरे गले भी मिलूंगा। मैं क्रॉस हो जाता हूं। सारे गणित लगा दिए भगाने के। नजारा है। अच्छा समीर जानबूझ के दरवाजा बंद रखता था कि मैं ना कुछ देख सकूं, लेकिन हम भी वो हैं जो दूर से बू को सूंघ लेते हैं। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। क्यों तेरी कोई लगती है क्या? नहीं ये शरीफों का मोहल्ला है, और बाय द वे ये बहुत शरीफ नेक और पाकीज़ा किस्म की कन्या है और कर्नल की बेटी है, वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे। हाँ ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे, सीने पे। अरे पागल है, तुम मत कूदो। क्यों? तुम्हारी महादशा पहले से ही खराब चल रही है, तुम जाओगे अच्छे के लिए और गिरोगे कर्नल के ऊपर। हाय चिक्स, ये तो घर में घुस रहे हैं ना। मेरा गणित कहता है इनको टॉमी बाहर ही काटेगा। 500 दादी के लिए, 500 बहन की पढ़ाई के लिए, 500 उसकी शादी के लिए, 500। रूम पार्टनर? अरे क्या नजारा है, इस कमरे का भाड़ा तो 1,00,000 रुपए होना चाहिए था भाई। ये क्या कर रहा है तू? कर्नल को देख रहा हूँ। अच्छा देखेगा तू? देखा ले। Watch this. आई! ये तो कर्नल की बेटी है, है? दोनों एक जैसे क्यों लगते हैं? Alright. जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये तू पी क्या रहा है? पानी। पानी है? तेरी कसम। अच्छा पी। सुंगा ये पानी है? अरे ये गोवा की स्पेशलिटी है, फेनी है, काजू का जूस है। अच्छा अब मैं तेरा जूस निकालता हूँ। दुग्गल साहब से जाके कहता हूँ कि तू यहाँ पर शराब पीता है। सुन 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 सुन, देख देख देख, आज के बाद पीऊंगा, आज के बाद नहीं पीऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है बस ये लास्ट घूंट है। ये क्या है? अरे ये देख, मेरी दीवार पर तेरे देवता है, तो तेरे दीवार पर मैंने अपनी देवियां लगा ली, तो इसमें गुस्सा खाने की क्या जरूरत है? नहीं खा रहा गुस्सा। गुस्सा हो रहा तू? बिल्कुल नहीं। शांत गदाधारी भी शांत। देख तुझे गाली देने का मन कर रहा है मुझे? बिल्कुल नहीं।
मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर मुझे कुछ बोलना चाहता है तू। मारने का मन कर रहा है? नहीं। मुझे मार। नहीं। मार ले। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक काम कर, तू अपने साइड पे आ जा। ओके, शांति शांति। ठीक है, बोझल। I'm very happy. Sunny? Rani? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गिटार बजा लेते हो? Rani. बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम. I'm impressed. Wicked Sunny. आज मुझे लगता है मेरा गिटार सीखना सफल हुआ. How sweet. अच्छा लो लड्डू खा. ये किस खुशी में? उस दिन मैंने बताया था ना कि मुझे फैशन डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, आज मैंने उसकी एंट्री फीस भर दी. नहीं सच्ची? आई डोंट बिलीव इट. लेकिन मैं दो लड्डू लूंगा. क्यों? एक मेरे लिए और एक मेरे भगवान के लिए. चुरा लेगा रानी. तो लो ना. थैंक यू. विकेट सनी. मैं चलती हूँ. अबे बेसुरे ढोल, तेरे अब्बा ने भी कभी गिटार बजाया? दे मुझे. पापा तो इंदौर में बिजनेसमैन है. इंदौर में बिजनेसमैन है पापा, और तू गिटार बजा रहा था? मैंने कब का, वो तो वो बेचारी समझ के चले गई. हाँ आपकी जुबान पे तो ताले लगे थे ना, सिर्फ ही कर सकते थे. अरे बोलना चाहिए था ना कि गिटार मैं बजा रहा था. मुझे क्या पागल किसी कुत्ते ने काटा हुआ है जो मैं उसको कहूँ गिटार मैं नहीं बजा रहा था, हमारे पंडित समीर मल्होत्रा बजा रहे थे. अरे बड़ी इंप्रेस होके गई है. और बाय द वे तेरी यहाँ की देवियों की तस्वीरें भी देख गई है, पता क्या करी थी? छी। ओए मेरे साइड आ गया तू. मैंने कहा था किस कर लूंगा कोई भी चीज आई तो. पंडित सही कहता था कि तू शनि नहीं तू शनि है, मुझसे दूर रहा कर तू. सनी सनी किस मी बेबी. ये तो गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूं, जी चाहता है. देखो बड़ी सावधानी से समीर, एक बार फिर से बोलो. कर्नल साहब आई एम सॉरी, मैं ब्लडी फूल था. ये फूल स्वीकार करके मुझे माफ कर दीजिए प्लीज. हाँ भाई चलो माफ कर दिया. कर्नल साहब आवाज कहाँ से निकालते हैं? पता नहीं. अरे ये कहाँ से आ गया? उठिए ना. आ गए. हाँ कितना हुआ भैया? कौन है ये सोते हुए महानुभाव? ये सिक्योरिटी गार्ड है, मुझसे अड़ रहा था. मैंने इसकी 3 महीने की नाइट ड्यूटी लगा दी. तभी अपनी पत्नी को लेकर सिफारिश के लिए आए हैं. मामा जी, what a pleasant surprise. कैसी हो भांजी? कितने पतले हो गए. क्या क्या बताऊं कि आख्या गुजरी है इस बंदे पर. रानी का मामा, ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में उजाला ला सकता था, लेकिन तुमने तो उसे पहले ही अंधेरे में ढकेल दिया. अरे जीजा जी, ये आपके सारे बदन पे मरहम पट्टी कैसे? सनी बेटा, ये हमारे साले साहब हैं. अबे हरामखोर, इतनी मुद्दत के बाद शक्ल दिखा रहे हो. भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ. क्यों? एक ही शहर में रहते हो और महीनों तक अपनी बहन से मिलने नहीं आते हो. अरे बहना, एक ही घर में रह के बीवी से नहीं मिल पाता, तुम शहर को लेके बैठी हो. क्या मतलब? अरे कमीना मैनेजर आया, मुझे 2 महीने से नाइट ड्यूटी पे लगा रखा है. दिन में सोते हैं, रात में उल्लू की तरह जागते हैं. पेट में गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है. देखिए आंखों के नीचे काले गड्ढे भी पड़ गए हैं. वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कमीना मैनेजर है कौन? वो भी ठीक है, आप हैं कौन? मामा जी ये सनी है, सामने वाले घर में रहते हैं. अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सनी साहब. अरे वो भरत मिलाप तो होता रहेगा, लेकिन आप किसी मैनेजर के बारे में कुछ कह रहे थे. अजी छोड़िए ना, नाम भी याद मत दिलाइए उस कमीने का मुझे. इधर देखिए ना, किया क्या उसने? मेरा जीना हराम कर रखा उसने. नाम क्या उसका? अबे शनी चुप. सुनो सुनो समीर. अंकल जी अपना समीर, आपका पड़ोसी, साथ में रहता है, रूम पार्टनर है. क्या समीर सामने रहता है? हाँ. फकीर सामने रहता है? फकीर नहीं, समीर जिसने आपको टूंडा किया है, अब इनके पीछे पड़ गया वो. देखो ना. बोलो. ओह वो कमीना तो मेरे सारे खानदान के पीछे पड़ा हुआ है. समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है समीर. फूलों को भूलो, कर्नल को छोड़ो, मामा को बताओ.
अंकल जी हैप्पी 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 न्यू ईयर हैप्पी 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 न्यू हथकड़ी। अब ये कौन सा तरीका है न्यू ईयर बोलने का? अभी बताता हूं। चार्ल्स कहाँ है? चार्ल्स या समीर? समीर चार्ल्स की गैंग में कोई नया मुजरिम है? आंटी आंटी चार्ल्स की गैंग में औरतें भी शामिल हो गई है क्या? आंटी अबे कौन आंटी यहाँ कोई आंटी वंटी? अब इनके शेरवानी में क्या परेशानी हो गई है? अरे आज ये पुलिस ऑफिसर बने हैं। बने हैं? अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बीवी हो, ऐसे मुजरिम को कैसे जानती हो? मैं मुजरिम नहीं हूँ, अपने पड़ोसी से पूछ लो। कौन पड़ोसी? ओ वो रिटायर्ड फौजी। अब समझ में आया कि रिटायर होने के बाद वो मुजरिमों को अपने साथ रखता है। ओ मुझे छोड़ दो, रानी मेरा वेट कर रही है। काहे का वेट कर रही है? किसी को मर्डर करने के लिए, बैंक रॉबरी के लिए, या स्टैम्प पेपर छापने के लिए? अबे क्या बेटा, अब तो तुम यहीं सड़ते रहोगे पुलिस की वैन आने तक, इसके बाद जेल जाओगे। चलो तुम क्या आए भर रही हो? किस कमबख्त ने इनके सर पे डंडा मारा था, खुद तो भाग गया, मुझे फंसा गया। जेल का सूट पहनकर भी आज ही आना था मुझे। अबे क्या 2010 में रानी को मिलूंगा क्या? राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर यार में। समीर काफी देर से ये सोच रहा हूँ। क्या? तेरे को गिटार बजाना आता है, पेंटिंग करनी आती है, गाना गाना आता है, काफी मल्टी टैलेंटेड आदमी है तू। पता है क्यों? क्योंकि मैं हूं, तू नहीं। अच्छा चिपका है। मजे ले रहा है तू। लेकिन तुझमें ही बहुत अच्छा टैलेंट है। वो क्या? वो ये कि तू झूठ बोलकर बेवकूफ अच्छा बनाता है। I don't believe you God. ए सुनना भाई, मेरी भी एक पेंटिंग बनाना। माइंड मत करना, लेकिन मैं सिर्फ खूबसूरत लोगों की पेंटिंग बनाता हूँ। एक और। ओके। एक बात बोलूं? बोल बोल बोल, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। 10 बात बोल बोल। तू जितना भोला दिखता है ना, उतना है नहीं। वो भला क्यों? रात को कैसे तूने 2 घंटे में रानी को पटा लिया? जली ना। तू जितना उसके करीब जाता है ना, मेरा मन करता उतना और करीब आऊं उसके। जली ना, तेरी भी जली ना। तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं दोस्तों की गर्लफ्रेंड को पटाना चाहता हूँ, उनके करीब जाना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ओके 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 सीरियस सीरियस नाउ समथिंग वेरी सीरियस। देख जब मेरी शादी होगी ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी और मेरी बीवी की पेंटिंग तू बनाए। यू नो वो मेरे पट पे बैठी हुई है और मैं उसके पास लेटा हुआ हूँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट में, मैं कलर्ड में, सब जगह फूल ही फूल। बनाऊंगा। किसके साथ शादी कर रहा है? बिजली के साथ? नहीं मैं रानी के साथ। जली ना, जली ना। देख 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 देख, गुस्से में तेरे खुद का नुकसान हुआ ना। अगर कसम नहीं खाई होती तो इस ट्यूब की तरह इसको पिचका देता। हैप्पी न्यू ईयर दुगल अंकल। समीर का है? ब्रश ब्रश ब्रश, फटाफट एमएफ हुसैन का चेला बन जा पीपी हुसैन। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सनी। कौन? रानी तुम पेंटिंग भी बना लेते हो? ये तो बस यूं ही। और वो भी मेरी। हाउ स्वीट। बस दिल के अरमां आंसू में बह गए। सनी तुम तो बिल्कुल ही छुपे रुस्तम ने। अरे क्या रुस्तम, बस यूं ही, कभी पेंटिंग कभी गिटार कभी गाना, बस यूं ही। इसलिए लोग तुम्हें इतना मल्टी टैलेंटेड कहते हैं। वैसे समीर भी बहुत मल्टी टैलेंटेड है। कल रात की न्यू ईयर पार्टी में तुम इसको देखना चाहिए था। क्या डांस किया, क्या गाना गाया, he completely rocked the party. Oh, he rocked? Yeah. अरे मैं तो उसे क्लासिकल सिखा रहा हूँ, वो रॉक कर रहा है। अरे समीर गुड गुड। एनीवे तुम दोनों के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लेकर आई हूँ। वो कहाँ है? वो इस वक्त लैटरिन में है, थोड़ा वक्त लगेगा, आप रुक जाइए। नहीं नहीं इट्स ओके, उसको पिला देना और तुम भी पी लेना। एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।
रानी आई थी? हाँ आई थी। अब तू ये कहेगा कि तेरे अब्बा ने भी कभी पेंटिंग की है क्या? और मैं ये कहूँगा कि मेरे पापा तो इंदौर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। फिर तू ये कहेगा कुत्ते झूठे कहीं के। वो तो तू है ही, और ये जो तेरा ख्वाब है कि रानी तुझसे प्यार करे, वो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। ख्वाब ख्वाब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरी कमजोरी क्या है। अच्छा, क्या है मेरी कमजोरी? यही कि तू रानी से कह ही नहीं सकता कि तू उससे प्यार करता है। तो सुन, आज मैं अपनी दादी की कसम खा के कहता हूँ कि पूरी दुनिया के सामने मैं अपने प्यार का इजहार रानी से करूंगा। और मैं भी अपने इंदौर के बाप की कसम खा के बोलता हूँ कि रानी को दुल्हन बना के मैं इस घर में लेके आऊंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरी शादी रानी से होगी, और अगर मेरा इरादा पक्का है तो उसका हाथ पकड़ के मैं ही लाऊंगा। हाँ, मेरे लिए रानी के सनी भैया। भैया नहीं, सैया। रानी, ये सैया बहुत बड़ा सिंगर और पेंटर है। आज मैं तेरे सामने इसकी पोल खोलता हूं। सनी, कम ऑन जानू, लेट्स गो। रानी इतने प्यार से जूस लाई थी तेरे लिए, मैं ही पी ले। रुक, किसके लिए लाई थी? तेरे लिए। तो फिर मैं पीऊंगा। विकेट सनी। अरे आधा तो बांट। मैं रानी की कोई चीज नहीं बांट सकता। जा, भगवान करे ये तुझे कड़वा लगे। रानी की हर चीज मुझे मीठी लगती है। अरे डकार तो मार। सनी, तस्वीर बनाऊंगा, गाना गाऊंगा और सनी को एक्सपोज कर दूंगा। ये कौन सी नई बीमारी है? एक दुग्गल सा बर्दाश्त करना मुश्किल है। तीन पांच बर्दाश्त के बाहर। समीर, कौन? समीर सो रहे हो क्या? उठो ना। ए सनी, आवाज बदल के परेशान मत कर मुझे, सोने दे। समीर। रानी, एक सेकेंड, अभी आया। उठो, तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? बिजली। अरे तुम कौन हो? रानी बाबा। हाँ रानी, दो सेकंड तो, मुझे अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सो रही थी तुम्हारे साथ। मैं तो तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए लेने आई थी। रानी, मैंने कुछ नहीं बना, दो सेकंड में आ रहा हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ? मैं आऊँ क्या? जा 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 जा। ये तो दो। ये क्या? वो। अरे वो क्या? वो ही। वो यार। आओ। आओ। हाँ आती हूँ, आती हूँ। समीर, समीर। सॉरी रानी। देखो रानी, जो तुम सोच रही हो बिल्कुल गलत सोच रही हो। अच्छा, मैं देख रही हूँ। वो क्या? ये मेरा नहीं है, ये इसका है। तुम पहनो। तो रानी, मैंने कोई गलत नहीं किया है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू ना, मैं तुझे देख लूंगा। रानी, रानी तुम्हारी कसम, रानी मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ। एक अनजान लड़की के साथ तुम? रानी तुम्हारी सर की कसम, मैं उसे जानता तक नहीं। न जानना पहचान, तुम किसी भी लड़की को बुला लोगे? सुनो मेरी बात, सुनो प्लीज। पहले तो तुम सिर्फ लड़की को जानते थे, अब तुम इस सर में भी घुसा लिया। रानी, दिस इज टू मच, मेरी बात तो सुनो। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस? या हे, ये लड़की, बॉस की बात सुनाई नहीं दे रही तुझे? हाँ,
जो बॉस बोल रहा है वही कर समझे। हाँ, पर ना ईगल गैंग पकड़ कर तुझे बॉस के सामने पेश कर देगा। हाँ? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस हुक्म करो। ए, किसी कुछ मजाल जो बॉस कुछ कह दे। बॉस जो कुछ भी करना यही करो, सड़क पे इसके साथ पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। अरे डर मत, नहीं पकड़ूंगा। बस यही कसर बची थी। नहीं, बदतमीज तुम, नहीं शराबी तुम, नहीं लड़की बॉस तुम, नहीं और इतनी जल्दी ईगल गैंग के लीडर भी बन गए। नहीं हूँ लीडर। शेम ऑन यू समीर। अरे फगेट है बॉस, एक से एक चिकनी पड़ ली है गोवा में, जिस पे भी उंगली डालोगे ना अगले दिन आपकी बाहों में। हाँ, जगह जगह अपन का राज चलता है, आप हुकुम करो बॉस। रानी रानी, रानी!